सिंपल सूट में हाई लो के कटिंग करेंगे। तो मैंने इसका शोल्डर लिया है 6 इंच, 6 इंच पर हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसका हम एक बॉक्स तैयार कर देंगे इस तरह से। और इसे राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से इसे गोल करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं तो इसमें से आधा इंच हम लेंगे फ्रंट की तरफ और इसे इस तरह सीधी लाइन खींचेंगे और इसे भी राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से गोल करेंगे। ये हो जाने के बाद अब हम आएंगे चेस्ट पर। तो हमने चौथाई हिस्सा इसमें 6 इंच रखा है और वेस्ट हमने इसमें रखा है 5.5, हिप रखी इसमें 7 इंच। इन तीनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर हम मार्जिन के लिए भी रखेंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेंगे, हम गले पे आएंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने इसमें 2.5 इंच रखी है और यहाँ से लेंथ रखेंगे आप 6 इंच और इसका एक बॉक्स तैयार कर देंगे। इसे हम पाउंड शेप देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह ट्रायंगल शेप में एक लाइन खींचेंगे, उसे डायरेक्ट ना काट कर हम यहाँ से इसे पाउंड शेप देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे आधा इंच। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसे मैं हाई लो बना रही हूँ। तो यहाँ से मैं आगे की तरफ से मैंने इसमें 7 इंच कटिंग करने के लिए लिया है। इस तरह से इसे करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसी पर ही हमें कटिंग करनी है। तो डायरेक्ट हम उसी पे कटिंग करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा जो लिया था पेपर इसमें। तो यहाँ से हम इस तरह से हमारा सिंपल सूट में ही हाई लो की कटिंग हो गई इसमें इस तरह से। ये हमारा डिजाइन है आगे की तरफ। बैक की कटिंग करेंगे हमें हाई और लो की कटिंग करी है हमने। इस तरह से ये हमारा डिजाइन हो गया गले का। और ऐसी हमें पट्टी ज्वाइंट करनी है काट कर, तो हम जहाँ भी हमारा कोना आता है वहाँ हम थोड़ा सा कट लगा देंगे तो हमारा इसी तरह का डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।